कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पुणे हिंसा पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करा रही हूं, आप मामला उठाओ, केवल बस हो गया। मैंने मामला उठाया हूं, लेकिन कोरेगांव में जो हो गया, दूसरे किसी का नाम लेना पड़ेगा, समाज में समाज में डिवीजन करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर महार और मराठों में फूट डालने के लिए वहाँ के जो कट्टर हिंदुत्ववादी है और आरएसएस के लोग हैं, इसके पीछे उनका हाथ है, उन्होंने ये काम करवाया है। और मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए, खुद शरद पवार जी वहाँ के पूना में रहते हैं, उन्होंने ये कहा है। और मैडम स्पीकर, आप सुनिए, मैडम स्पीकर, वहाँ पर आई स्पीक विथ ए डीप सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑलरेडी सेड, ये ऑलरेडी, नहीं, ये कोई लंबी भाषण है, जीरो में जितना उठा सकते होती। मैडम, आई स्पीक विथ ए डीप सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑलरेडी सेड दैट वी शुड से नथिंग हियर that will disturb the situation. Our leader Mamata Banerjee and our party believes in unity between all castes. So aap complete kijiye apni baat ko, complete kijiye. No, I'm sorry. Saugat rahe ji, complete kare phir. देखो एक बात सुनिए, शून्य काल में लंबा भाषण अनुमत ये नहीं है, आप प्लीज कंप्लीट विद इन वन मिनट, दैट्स ओके। आप जितना शून्य काल में बोल सकते हैं, मैं आपके ऊपर वहाँ पर के तथ्य रख रहा हूँ, देखाओ मत आप, और मैं नहीं, कंप्लीट नाउ, कंप्लीट इट, आप पढ़े होंगे तो इसीलिए जो दलितों पे, नहीं नहीं आप, मैं इतने उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन उतना समय नहीं है, नहीं है, लेकिन गुजरात से ऊना में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, नहीं होना चाहिए, आपकी भावना नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार, ज्यादा से अत्याचार। नो एलिगेशन, इसीलिए मैंने पहले ही बोला जुडिशियल इंक्वायरी, नो एलिगेशन, आई वांट a Supreme Court judge, no allegation, should be appointed, and he should okay, inquire this, not the state, because the state government has taken a decision, that is a different thing. Yes. But here the Prime Minister come and make a statement. I demand, it is my demand, because he always keeping quiet when such incidents are happening. He is not taking any action. He is a mum. And he is a mum. He used to say, other Moni Baba. He is a Moni Baba regarding Dalits. Yes. Madam. Madam, main itna hi kehna chahunga. I am sorry. Madam, main itna hi kehna chahunga. Mallikarjun Kharge ji, जो महाराष्ट्र में समस्या शुरू हुई है उसको, उसका निदान नहीं करना चाहते हैं, उसको भड़काना चाहते हैं, उसमें राजनीति करना चाहते हैं, यानी कांग्रेस कांग्रेस आज के दिन में हताशा में है, कांग्रेस गुजरात हार चुकी है, कांग्रेस हिमाचल हार चुकी है, हर जगह हार का मुकाबला कांग्रेस कर रही है, इसलिए वो महाराष्ट्र में होता है, जो महाराष्ट्र में शांति और सुव्यवस्था का एक पैगाम, एक कामना करना चाहिए, उसके लिए ऐलान करना चाहिए। जैसे आपने कहा, ब्रिटिश आए और भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आया, आज के दिन में ब्रिटिश के जगह पर कांग्रेस वालों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। यदि आज के दिन में, मैडम, यदि आज के दिन में सबका साथ सबका विकास ये विचार कोई सामने रख करके पूरा देश को एक साथ लेके जा रहे हैं,
वो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी लेके जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं। ये क्या यानी ये सदन मैडम आपके नेतृत्व में ये हाउस ये सदन ये लोकसभा शांति का पैगाम देने का वहाँ सभी भाईचारा में रहे ये पैगाम देने का एक फोरम होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। वहाँ जो आग लगी है उस आग में आग को बुझाने के बजाय आग को भड़काने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही मैडम, इसका हम घोर निंदा करते हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठिए बैठिए, मैंने पहले ही सबको कहा है कि इस पर राजनीति नहीं करो, दिस इज नॉट फेयर ऑन यू। आप दलितों की भलाई भी नहीं चाहते हो, चर्चा भी नहीं चाहते हो, ये तरीके नहीं होते। आई एम सॉरी, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट करी थी, गलत बात है। यू वॉन्ट टू से बट माइंड योर लैंग्वेज ऑल्सो प्लीज, यू टेक इट। हाँ यस, गिवन एन एडजॉइनमेंट मोशन, व्हाट इज इट, अंडर रूल 56 ऑन द क्लैशेस दैट ब्रोक आउट। तो आपको बता दें, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा पुणे हिंसा को लेकर देखने के लिए मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ें, अपना बयान दें, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति को आगे बढ़ा रही है। अनंत कुमार राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि वो जो पुणे में हिंसा हुई उसकी आग को भड़काने का काम कर रहे हैं बजाय के बुझाने के। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोला है बीजेपी पर और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो अपना बयान पुणे में जो हिंसा हुई है उसे लेकर संसद के भीतर दें। पलटवार करते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रही है, मोदी की नीति सबका साथ सबका विकास की है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आग को भड़काने में लगे हैं, तो बांटो राज करो की नीति, ये बीजेपी की तरफ से आरोप। एक बार फिर से आपको हम लोकसभा लेकर चलते हैं। Vehicles which were put on fire, madam, today there is bomb throughout Maharashtra, there is possibility of further violence, we want this house to madam ye jo party Adal Rao Patil is पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा जो मेरा चुनाव क्षेत्र है पुणे से 30 किलोमीटर दूरी पर कोरेगांव भीमा पे जो 200 साल पुराना इतिहास है और 90 साल से वह जश्न मनाया जाता है हर पहली जनवरी को, बट पिछले दो दिन के पहले जो घटना ही घटी है वो घटना का दलित और बाकी किसी का संबंध नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स करने के लिए और दोनों जातियों में तनाव बढ़ाने के लिए दो जाति में तनाव बढ़ने के लिए जानबूझकर ये कोशिश की है कि मराठा और दलित जाति में झगड़ा होए, इसके लिए ये तनाव किया है। इसके बावजूद मेरी ये गवर्नमेंट से कोशिश है, रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सजेशन दे के ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है, ऑफिशियल इंक्वायरी होके ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ फेलियर हो गया, पिछले दो दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट कुड नॉट कंट्रोल द मॉब एंड द क्लैशेस व्हिच हैज टेकन प्लेस। राव साहब दानवे पाटिल। हाँ राव साहब दानवे पाटिल प्लीज। अध्यक्ष महोदय, पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जो घटना घटी है उस घटना का हम समर्थन नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रिटिशों में और उसमें जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को 200 साल पूरे हो गए, उसके सम्मान में इस बार भीड़ ज़्यादा आई, लेकिन वहाँ पर राजनीति की भाषा की गई, इसके कारण वहाँ पर ये दंगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी न्यायालयीन चौकशी का आदेश भी दिया है,
लेकिन तीन साल से महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, तीन साल में एक भी दंगा महाराष्ट्र में हुआ नहीं है। हमारा विकास का एजेंडा है, यह विकास का एजेंडा ये रोक नहीं पाते, इसलिए ऐसे दंगे कराना इन्होंने शुरू किया है। हमारी सरकार इसका पूरा समर्थन करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ महाराष्ट्र में शांतता रखने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये विकास का एजेंडा रोकने के लिए ये दंगों की भाषा कर रही है। वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना महाराष्ट्र सरकार घटने नहीं देंगे और न्यायालयीन चौकशी हो रही है। Honorable member, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पुणे हिंसा को लेकर सड़क पर जो संग्राम है उसकी जबरदस्त गूंज संसद में सुनाई दी है। संसद के भीतर आज बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है। लोकसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को, जो कुछ पुणे में हिंसा के तौर पर सामने आया। और बीजेपी की तरफ से अनंत कुमार संसदीय कार्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस पार्टी बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है और पुणे हिंसा पर भी राजनीति कर रही है। जमकर हुआ है पुणे हिंसा पर लोकसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ है। आपको याद होगा कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके यही कहा था, कांग्रेस हिंसा पर राजनीति कर रही है और यह लड़ाई आपको बता दें पुणे हिंसा की दलितों और सवर्णों के बीच शुरू हुई, अब सीधे कांग्रेस पार्टी और आरएसएस के बीच आ गई है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस उसकी सोच पर आरोप लगा रही है। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।